रास्ते में दवाई लेने जा रहा था दोस्त के साथ में, बैंक दरोगा जी हैं जो थाना इंचार्ज, इन्होंने साहब पहले झापड़ मारे फिर थाने में ले जाके डंडों से पिटाई की। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, चौकीदार ही चोरी करने लगे, तो क्या होगा वहां पर रहने वाले मासूमों की? आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि जब सैयां भये कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन आपको जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूं उसमें कोतवाल खुद ही दोषी है, लेकिन अपने रसूख और पावर का इस्तेमाल कर निर्दोष मासूमों को थर्ड डिग्री टॉर्चर दे रहा है। योगी जी के सिराज में पुलिस के द्वारा किया जा रहा ऐसा कांड खुद योगी जी को शर्मसार कर देगा। यह घटना यूपी के जालौन की है और इस घटना से महिला सशक्तिकरण अभियान को एक दरोगा ने करारा तमाचा मारा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दरोगा एक लड़की के साथ छेड़छाड़ किया करता था। जब यह बात लड़की के भाई को पता चली तो उसका भाई दरोगा के पास शिकायत करने गया तो थाने में तैनात दरोगा आग बबूला हो गया और लड़की के भाई के ऊपर थर्ड डिग्री इस्तेमाल किया, जिससे उसके शरीर में गंभीर चोट आई, जिसको लेकर लड़की के परिजनों में आक्रोश है और आशिक मिजाज दरोगा पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। देरी से तो मैं माँ के लिए दवा लेके जाने जाता हूँ, वहाँ मेडिकल जा रहे थे दवा लेने, तो वहाँ से आए। कौन आया? हम लोग जा रहे थे यहाँ से, तो ये मैं कैसा ही है, उन्होंने मुझे रोका, सिगरेट पी रहे थे बीच रोड पे, तो उन्होंने हाथ दिया हमें, तो हम लोग रुक गए। दो मोटरसाइकिल थी मेरे पास, तो मैंने पहले शुरू मारना ही कर दिया उन्होंने। क्या कारण रहा, क्यों मारा था? कुछ नहीं, मैं लोग जा, हम सब लोग जा रहे थे। क्या कोई पुरानी बात है? हाँ ऐसा ही कुछ है, पहले इन्होंने दीदी के साथ में छेड़खानी की तो मैंने शिकायत की थी, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सर हम अपने दोस्तों के साथ उसकी माँ के मुंह में छाले हैं सर, दवाई लेने जा रहे थे, तो इधर मतलब आए तो उन्होंने कहा तू गाड़ी तेज चला रहा है, गाड़ी तेज चला रहा सर, इतने लोग खड़े थे, आप सबसे पूछ लीजिए, गाड़ी भी कोई कुछ तेज नहीं थी, आए और गाड़ी रुकवाई, बोले रोक मादर चोर गाड़ी, उसके बाद आके सीधा झापड़ मार दिया, बोले हाँ कितना बड़ा गुंडा है तू, नहीं साहब हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं सर, गुंडा उंडा कुछ नहीं है सर हमारे साथ। आपका 17 साल है सर। फिर क्या हुआ? फिर सर दो झापड़ और लगाए सर, भैया था मेरे साथ उसको भी सर लगाए 4-5 थप्पड़, उसके बाद बोले चल थाने चल सर, हमने कहा सर जिंदगी बर्बाद नहीं करो साहब, पढ़ने हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं ले जाके क्या घटना घटी थी? थाने में ले जाके अंदर कमरे में बंद करके गालियों के साथ डंडों से बहुत मारा था, आप देख लो साहब कितना मारा। बता दें कि पूरा मामला जालौन के रेंडर थाने का है, जहां पर खाकी वर्दी की हिटलर शाही देखने को मिली है। थाने में तैनात दरोगा महिला की सुरक्षा करने के बजाय एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था। लड़की के भाई को जब इस बात का पता चला तो वो शिकायत करने थाने पहुंचा, लेकिन पीड़िता के भाई को गुस्से में दरोगा ने थाने में ले जाकर थर्ड डिग्री दे डाली। पीड़ित लड़की के भाई ने बताया कि वो उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ किया करता था। इसके अलावा ग्रामीणों ने भी दरोगा पर आशिक मिजाज होने का आरोप लगाया है। परिजनों ने दरोगा के द्वारा की गई मारपीट की शिकायत थानाध्यक्ष से की है। देखिए वहाँ पर एडिशनल एसपी को मौके पर जांच के लिए, विस्तृत जांच के लिए भेजा गया है। सीओ माधवगढ़ भी इसकी चीज़ की जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया छेड़छाड़ की कोई अभी इस तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उसके आगे के जो आरोप हैं, लड़ाई झगड़े के आरोप जो हैं, उसकी गहन जाँच की जा रही है और गहनता से जाँच कर आज ही निष्कर्ष निकाल कर उस जाँच के रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और कठोरता के साथ अगर दोषी पाया जाता है सब इंस्पेक्टर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर जब पीड़ित पक्ष जब थाने पहुंचता है उसकी शिकायत एसएचओ महोदय से करता है तो वो कार्रवाई करने की जगह ये आरोप लगाया जा रहा है, पीड़ित पक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं देखिए कोई भी चीज़ है उसमें विस्तृत जांच के लिए हमने दो अफसर भेजे हैं, सीओ माधोगढ़ को भी भेजा है, एडिशनल एसपी को भी भेजा है, तो जो सही चीज़ होगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी जालौन रवि कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, एएसपी जालौन मामले की जांच कर रहे हैं, सीओ जालौन को भी लगाया गया है, जो भी सामने निकल कर आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर जांच करने पहुंचे एएसपी असीम चौधरी ने बताया कि जालौन के रेंडर थाने में मयंक वर्मा दरोगा की तैनाती है, उन पर आरोप लगे हैं, जो भी तहरीर मिली है उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। सीओ जालौन जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।